बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ्री हिट आप देखते हैं, आपका शुक्रिया। उमर अकमल एक मरतबा फिर उमर अकमल की अपडेट के साथ मैं आया हूं। उमर अकमल कोयटा ग्लैडिएटर का हिस्सा है, आपको पता है। एक सीज़न उनका निकल चुका, वो भी आपको पता है कि क्यों निकला उनका सीज़न। स्पॉट फिक्सिंग केस में वो फंसे थे, उसका एक साल की उनकी सज़ा हो गई थी। बहुत कुछ हुआ उस दौरान और वो सज़ा भी उन्होंने अदा की। जुर्माना भी तकरीबन 43 लाख का था, वो भी अदा किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप में आए। कोयटा ग्लैडिएटर के मालिक नदीम उमर पहले ही ये कह चुके थे, मुझसे ही उन्होंने बात की थी। वो इंटरव्यू में मैंने आपके सामने पेश किया था कि उमर अकमल को वो दोबारा लेंगे। उन्होंने अपना वादा पूरा किया और मुझे ऐसा लगता है कि वो वादा उन्होंने अपनी बस एक ज़बान दी थी तो उस पर वो पूरा किया। उमर अकमल को लेकर आए लेकिन वो प्रैक्टिस सेशन में कल नहीं गए। क्यों नहीं गए, इसका जवाब भी उमर अकमल के ये जो नदीम उमर साहब हैं, इसका जवाब भी उन्होंने दिया। उनसे ये सवाल भी मैंने किया था, वो सुनिए कि उन्होंने जवाब क्या दिया। उनका आपको जैसे पता है ना, वो एक मसला हो गया था, उनका पॉजिटिव टेस्ट आ गया था आज से कोई 4-5 दिन पहले, फिर नेगेटिव टेस्ट आया, फिर वो कल आए तो प्रैक्टिस नहीं कर सके। हाँ, वो कल तो अभी मैं पता करूँगा कि हुआ क्या एक्चुअली बेसिकली, लेकिन इंशाल्लाह खेलेंगे। और आई थिंक ही हैज़ अ पॉइंट टू प्रूव, तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि चांसेस बहुत कम मिलते हैं, बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो रह गए हैं, तो उमर का ये फिर एक बार एक मौका है उसके लिए कि वो अपने आप को प्रूव करें। तो हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि सीरियस होंगे और मैचेस को सीरियस लेंगे, उनके करियर का सवाल है, तो होपफुली इंशाल्लाह वो खेलेंगे ज़रूर। ये नदीम उमर की बात आपने सुनी। उमर अकमल को कोविड का हमला हुआ था कुछ अर्सा पहले, कुछ दिनों पहले, जिससे वो रिकवर तो कर चुके हैं। अब उनका टेस्ट तो नेगेटिव आ गया है लेकिन आज प्रैक्टिस में वो इसलिए हिस्सा नहीं लिया उन्होंने कि ऑफकोर्स वो कमज़ोरी फील कर रहे थे। लेकिन मुझे अब मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ, अंदर की बात बता दूँ आपको, सुनिए। अंदर की बात ये है कि भाई कोयटा ग्लैडिएटर के जो लोग हैं ना, वो उमर अकमल से शायद ऐसा लगता है खुश नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा अंदाज़ा है ये कि खुश नहीं है। शायद उनका रवैया ऐसा नहीं है, शायद उनकी परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान नहीं है, शायद मुझे ऐसा लगता है उनके रवैये से। जो कोयटा ग्लैडिएटर के, मैं नाम नहीं लूँगा अभी, कुछ लोगों से मेरी बात हुई, वो सब ये कहते हैं कि भाई आप उमर अकमल पे इतनी बात करते हैं तो आप उसको समझाएं। तो खैर मैं समझाने वाला कौन होता हूँ भाई। उमर अकमल इस कितना पाकिस्तान से भी खेले हैं तो उमर अकमल को पता है कि क्या करना चाहिए और वो यकीनन करेंगे। मैं उनके ऊपर बड़ी उम्मीद है, मुझे PSL 7 के अंदर उनका कुछ आप देखेंगे कि अच्छी परफॉर्मेंस वो देंगे। तो उमर अकमल साहब, आप पे भी जिम्मेदारी आयद होती है कि आप खड़े हों और सारी दुनिया को गलत साबित करें। तो फ्री हिट की इस एपिसोड से मुझे इजाज़त दीजिए। आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आपके लिए मैं लेके आता रहूँगा PSL 7 में कुछ खबरें जो हट करें। खुदा हाफ़िज़।